इम्तियाज भाई, अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में हर्षवर्धन जाधव का बयान आता है कि चंद्रकांत खैरी की वो मदद करने वाले हैं, पिछले मर्तबा गलती हो गई, वो आपके दोस्त भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं उनको नई ख्वाहिशात दूंगा, अच्छा लड़का है, यंग लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, तो उसको मैं पूरी तरीके से मैं चाहूँगा कि ऐसे बच्चों ने राजनीति के अंदर आना चाहिए जिनके अंदर एक एग्रेशन है। राजनीतिक अपनी अपनी जगह के ऊपर, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो मेरा रब जानता है ना, इसको हर्षवर्धन साहब तय कर सकते हैं ना खैरे साहब तय कर सकते हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा उसमें। लेकिन मेरी नई ख्वाहिशात हर्षवर्धन पाटिल के साथ है, उनकी जिस किसी पार्टी के अंदर रहे, तुम्हारे जैसे नौजवान लड़कों ने राजनीति के अंदर आना चाहिए, इससे बढ़कर और मैं क्या उनको नई ख्वाहिशात दे सकता। जो हुआ है कितना छुपाओगे, कहाँ कहाँ तक छुपाओगे, तुम जितना उसे छुपाओगे मुझे देखने की उतनी ही ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। तो आपने गलत फैसला लिए है कि कुछ छुपा रहे हैं तो लोगों के अंदर उत्सुकता हो रही है। उन्होंने कहा कि पठान नहीं देखना है करके उसके अंदर, और पठान धना धन धना धन पठान है तो चल रही है उसके अंदर, रोज खबर आती है कि 600 करोड़ हो गए, 700 करोड़ रुपये हो गए हैं। तो इसके लिए तो हम भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने विरोध किया था, बोल के ये सब हो रहा है। अब आप है तो करिए, बीबीसी को भी रोकने की कोशिश करिएगा, उसमें जो देखने वाला है वो कहीं ना कहीं से तो निकाल के देख ही लेंगे। बजट में कम कर दिया गया है फंड, उस पर क्या कहें? देखिए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म हो जाना चाहिए, इस मुल्क से पूरा वजूद ही मुसलमानों का मिट जाना चाहिए। तो अगर वो बजट को अगर कम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी नीयत, उनका मकसद, उनका मतलब जो है वो बड़ा साफ है कि इस मुल्क के अंदर हम मुसलमानों को सबसे पीछे रखना चाहते हैं। ये मुसलमान अपने तौर के ऊपर, वैसे भी आप कौन सा देते थे, कौन सा बड़ा फंड देते थे उसमें, हम तो साफ तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप उतना फंड भी बंद कर दीजिएगा, मुसलमानों की जितनी वक्फ की ज़मीनें इस मुल्क के अंदर है उनको वापस करवा दीजिएगा, उनको लौटा दीजिएगा, कुछ खैरात तो हम सरकार को देने के लायक बन जाएंगे। इस मुल्क का मुसलमान जो है वो सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भी खैरात देने की हैसियत रखता है, बशर्ते आप वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं तो मुसलमानों को दिलवा दीजिए। हर्षवर्धन जाधव सुद्धा त्या ठिकाणी पाठिंबा देत आहे, थोडंसं पांडगड झाल्यासारखं वाटत नाही शिवसेना उद्धव ठाकरे गटात? साहेब, की आहे, मी जास्त इलेक्शनच्या बाबतीत चिंता करत नाही, त्याचं कारण एक आहे की मी मागच्या 4 वर्षामध्ये मी लोकांमध्ये राहिलो, मी लोकांचे काम केले, जितकं माझ्या इख्तियारीत होतं ते काम करण्याचा मी प्रामाणिक एक प्रयत्न केलेला आहे। आता निवडणुकीच्या काळात असं नाही आहे की अलायन्स झाल्यानंतर हे होतं ते होतं, मी जसं म्हटलेलं आहे लोक सुप्रीम असतात, सगळे महत्त्वाचे जे घटक आहे ते जेव्हा मतदान करण्यासाठी जातं तर ते त्यावेळी त्या 30 सेकंड 1 मिनटामध्ये ते जे निर्णय घेतो आणि कोणाच्या निशाणीवर ते मतदान करतं ते कुणालाही माहीत नसतं। तर सगळे राजनैतिक पक्ष आपल्या आपल्या रीतीने प्रयत्न करणार आहे, मीही प्रयत्न करणार आहे, जमलं तर ठीक, नाही जमलं तर मी, मला असं कळेल की काहीतरी माझ्यामध्ये कमतरता राहिली असती म्हणून लोकांनी मला निवडून नाही दिलेले आहे। मी काही चांगलं काम केलं असेल तर मला नाही वाटतं की मला कुणाच्या समोर जाऊन की बाबा मला सपोर्ट करा ना, तू माझ्यासोबत अलायन्स करा ना, काही करण्याची आवश्यकता नाही असं म्हणतो। सर, एक सवाल मेरे लिए, सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन और मेरे सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन के अंदर बहुत फ़र्क है। आपका सेक्युलरिज्म अगर ये होता कि औरंगाबाद जैसे शहर से कभी किसी एक मुसलमान को चुनकर अगर आप लेके आते हैं तो वो आपके सेक्युलरिज्म को मैं मानता, लेकिन अगर इम्तियाज़ जलील एमआईएम पार्टी से आता है और चुनकर आ जाता है और आप मुझे कहते हैं कि नहीं तुम तो कम्युनल हो करके, तो आपका सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि सिर्फ एनसीपी आपकी पार्टी और आप है तो सिर्फ मुसलमानों के वोट लेते रहेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए कई महानगर नगर पालिका के अंदर एक काउंसिलर बना दिए, एक जिला परिषद के मेंबर बना दिए और विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं, मैं जाऊंगा और जो भी नेता है, मैं राजेश टोपे के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा, मेरा बाप है तो वहाँ पर जाके बैठेगा करके। तो साहब, आप और आपका बाप जो है वो राज्य लोकसभा और विधानसभा के अंदर बंटवारा कर लेंगे उसके अंदर, और हम जो है आपको मतदान देते देते हम है तो हमारे गली के ही नेता बन के रहेंगे करके। मैंने मुसलमानों के अंदर एक यकीन पैदा किया हूँ और जो मैं किसी भी लेवल के ऊपर जाके ये चुनौती दे सकता हूँ उनको कि हमने ये बताया है कि हम भी अब तुम्हारे जो आका है राजेश टोपे साहब, शरद पवार साहब, अब उनके नीचे नहीं बैठूंगा मैं उनके बाजू बैठने की ताकत रखता हूँ मैं। तुम अगर ये समझ रहे होंगे कि नहीं राजेश टोपे अब कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और इम्तियाज़ जलील शतरंजिया उठाएंगा करके, तो गए वो दिन।
अब शतरंजिया आपको भी उठाना पड़ेगा उस पर, ऐसी नौबत में लेकर आऊंगा।